प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया इज भारत पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेटेस्ट और एक बहुत ही दमदार वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे भारत की बेटी हिंदुस्तानी शेरनी और हम सबकी चहेती दबंग वकील नाज़िया अली खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम आपके लिए चैनल पे डाल चुके हैं, जिसे आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया था, तो इसे भी अंत तक देखें। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। आई थिंक ये मूवी एक मैसेज है हमारी महिलाओं के लिए, एक मैसेज है कि अगर अपने लिए, अपने आप से आप बहुत मोहब्बत करती हैं, अपने अस्तित्व से आप बहुत मोहब्बत करती हैं, तो आप, आपके साथ अगर कोई ज्यादती हो रही है, आपके साथ कोई जुल्म कर रहा है, अपनी ठरकबाजी मिटाने के लिए, अपने अपने अपनी अश्लीलता को का मजा लेने के लिए, तो आप प्लीज कोर्ट जाइए। और वही इस मूवी में दिखाया गया है कि अल्टीमेटली जो बड़ी बेटी होती है घर की, वो कोर्ट जाती है और वो कोर्ट से न्याय मांगती है। तो बहुत खूबसूरत मूवी है, मुझे लगता है बहुत खूबसूरत मूवी है। जितना मैंने टीजर देखा और बॉम्बे से जो लोगों ने एक जो वहां की बॉलीवुड के जो कैमरामैन होते हैं, वहां के जो रिपोर्टर होते हैं, उन्होंने मुझे वो भेजा है टीजर। ये फिल्म का टीजर नहीं है, ये उनका टीजर है, तो उन्होंने मुझे भेजा। मैंने देखा, बहुत अच्छी मूवी है, और जितना मैंने आर्टिकल पढ़ा मुझे बहुत अच्छी लगी। लेकिन एक अजीब बात यह है कि नाज़िया जी, बॉलीवुड में एक वक्त था जब हिंदू धर्म को मैलाइन करने की फिल्में बनाई जाती थी। पंडित को आप नेगेटिव उसमें दिखा दीजिए, एक मुगल प्रेमी फिल्में बनती थी बॉलीवुड में। वो जमात अभी भी है, इसी तरीके से काम कर रही है, लेकिन पिछले कुछ अरसे में, हम कह सकते हैं पिछले 10 सालों में, बॉलीवुड का नजरिया भी बदला है। वहां पर ऐसे फिल्म मेकर भी जो राष्ट्रवादी फिल्में बना रहे हैं, ऐसी फिल्में बना रहे हैं जिससे कि लोगों को पता चले कि असलियत क्या है, क्या सही है क्या गलत है। सब्जेक्टिव फिल्में बन रही हैं, बहुत अच्छे टॉपिक्स पर फिल्में बन रही हैं। तो वो जो बदलाव है, आपको लगता है कि वो भी एक जमात से बर्दाश्त नहीं हो रहा है? देखिए, मुझे आज भी याद है कि मदर इंडिया मूवी में नरगिस को का रेप करने के लिए एक पंडित जी हाथ में पूजा की थाली लेकर के पूजा करते हुए निकले थे, और उन्होंने नरगिस जी के ऊपर मतलब अश्लीलता करना स्टार्ट कर दिया था मदर इंडिया मूवी में, जिसमें सुनील दत्त उनका बेटा बना। तो उसके बाद फिर हमने कई बार अमरीश पुरी जी को देखा है कि वो हमेशा एक कट्टर हिंदूवादी होते थे, तिलक विलक लगाकर होते थे, लेकिन वो रेप करते थे, वो औरतों के साथ अश्लीलता करते थे, वो मुकैम्बो बन जाते थे, वो क्रिमिनल बन जाते थे। तो बॉलीवुड का एक ग्रुप था जो हमेशा ये दिखाता था कि मुस्लिम कम्युनिटी जो होती है वो बहुत तहजीब वाली होती है, बड़ी तमीज वाली होती है, जिसमें शरारा गरारा पहना जाता है, सर पे आंचल रखा जाता है, मर्दों से पर्दा किया जाता है। और हिंदू जो होते हैं पुरुष, वो हमेशा औरतों को बलात्कार करने के लिए खड़े हो जाते हैं। यही हमने देखा। अब आप अग्निपथ तक चले आइए, मदर इंडिया तक चले जाइए, आप अमिताभ बच्चन जी की मूवी देख लीजिए, आप अमरीश पुरी की मूवी देख लीजिए, ये सब हिंदू देवी देवताओं से नाराज रहते थे। और जैसे ही ला इलाहा का झंडा पहन लेते थे अमिताभ बच्चन जी, तो वो कहते थे कि कोई भी मुझे मारेगा मार नहीं पाएगा, क्योंकि मेरे पास अल्लाह। लेकिन इन्होंने कभी भी नहीं कोशिश किया कि जो मुसलमान महिलाएं शरारा गरारा के अंदर जो अश्लीलता का शिकार हो रही है, जो बदतमीजी का शिकार हो रही है, जो बेहूदगी का शिकार हो रही है, जो बेशर्मी का शिकार हो रही है, उसके बारे में कौन दिखाएगा? उसके बारे में कौन दिखाएगा भैया? वो भी तो दिखा दो, शरारा गरारा तो दिखा दिए, पर हिजाब के अंदर क्या हो रहा है वो भी दिखाना जरूरी था। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पेड़ों के आगे मचल मचल करके नाचना, उसके बाद एक शिफॉन की साड़ी पहन करके पूरे जिस्म को दिखा करके बर्फ पर नाचना, ये अब जनता देखना नहीं चाहती है। और साथ ही साथ एक फैक्ट चीजों पर, एक फैक्ट स्टोरी पर, एक फैक्ट इंसिडेंट और एक्सीडेंट पर जनता को देखना पसंद है कि इसी पर निर्धारित अगर मूवी बनती है तो हम देखेंगे, अदरवाइज ये तुम वॉयलेंस करोगे, ये तुम बहुत सेक्सुअल सीन डालोगे तो हम नहीं देखेंगे। अब देखिए, फिल्म इंडस्ट्री में अंजु जी दो तरीके के लोग होते हैं, एक होते हैं जिनके पास पैसा है लेकिन ना ही उनके पास आर्ट है, ना ही कल्चर है, ना ही क्रिएटिविटी है, और ना ही उनको फिल्म बनाने का तरीका पता है। तो उसमें वो क्या करते हैं, वो वॉयलेंस डाल देते हैं और सेक्सुअल सीन डाल देते हैं।
और लोगों को पसंद आती है वो मूवी, बहुत जोरदार चलती है वो मूवी, क्योंकि उसमें सेक्सुअल सीन होते हैं, उसमें वायलेंस होता है, 10-12 गाड़ियां आपस में टकराती हैं, उसके बाद हीरोइन बहुत रिवीलिंग कपड़े पहनती है। लेकिन ऑन द अदर हैंड, जब आप देखिएगा, जब हम द केरला स्टोरी जाते हैं देखने के लिए हम रोते हैं, जब हम आर्टिकल 370 जाते हैं देखने के लिए तो हम रोते हैं, जब हम लव जिहाद जैसी मूवीज देखने के लिए जाते हैं तो हम रोते हैं कि अच्छा हमारे नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा था और हमें पता भी नहीं चल रहा था। तो अभी की एक पीढ़ी आ चुकी है और बॉलीवुड में भी एक ऐसी टीम आ चुकी है जिसको, जिन्होंने ये सोच रखा है कि हम ये जो सभ्यता है भारत का, ये जो सिविलाइजेशन है, हम इसको बरकरार रखते हुए इंफॉर्मेटिव मूवीज को बना करके अपने आने वाले युवा पीढ़ियों को हम नॉक नॉक करेंगे, उनको दस्तक देंगे कि देखो बेटा ये सब कुछ हमारे सामने हुआ है, हमारे नाक के नीचे हुआ है, अब इस पर हमको ध्यान देना है। बिल्कुल, पर नाज़िया जी ये फिल्म अगर रिलीज हो जाती है हम दो हमारे 12, तो आपको लगता है इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा? वो लोग तो बहुत ज्यादा इस पर बवाल करेंगे, अभी सुप्रीम कोर्ट जाने की बात तो हो रही है, लेकिन इसके अलावा भी आपको पता है किस तरह का रायता फैला सकते हैं वो? देखिए, इसके लिए मैं आपको ज्यादा नहीं, सिर्फ 11 पॉइंट बताना चाहती हूँ। इस्लाम को बचाने वाली औरतें होती हैं, और वो कैसे बचा रही है? तो औरतें नाराज नहीं है हम दो हमारे 12 से, मुसलमान औरतें बिल्कुल नाराज नहीं है, वही कोई जिहादन मुस्कान जैसी होगी अलकायदा की मेंबर, वो नाराज हो सकती है। अब सवाल खड़ा होता है कि क्या इस्लाम बचा ही औरत की वजह से है? औरत बच्चा पैदा करने की मशीन बनी है, मुस्लिम औरत हिजाब में लिपटी रहती है, मुस्लिम औरत घर संसार में फंसी रहती है, औरत इस्लाम के हिसाब से मुकम्मल पाक भी नहीं होती है, इसलिए अल कुरान के हिसाब से कोई भी औरत प्रॉफिट नहीं हुई। औरत एक मर्द के बिस्तर पर, 4 औरत अपना शलवार आराम से खोलती है, औरत दारुल सलाम में दाखिल नहीं हो सकती। अभी हालिया में देवबंद दारुल उलूम ने कहा कि लड़कियां देवबंद में दारुल उलूम में एंटर नहीं कर सकती हैं। औरत ही पाबंदी से रोजा नमाज कुरान तिलावत करती है, फिर भी औरत प्रॉफिट नहीं हुई। औरत किसी और धर्म के मर्द को ना पसंद कर सकती है ना बात कर सकती है, लेकिन मुसलमान मर्द चाहे तो किसी भी मजहब और धर्म की लड़की से शादी कर सकते हैं। 6 साल की बच्ची भी मेरे इस्लाम में औरत दिखाई देती है मुस्लिम मर्दों को, औरत ही तलाक का शिकार होती है, औरत ही निकाह मसियार का शिकार होती है, औरत ही निकाह मुत्ता का शिकार होती है, औरत ही हलाला का शिकार होती है। इस्लामिक बेहुदा चीजों में औरत ही बलि चढ़ाई जाती है। तो इस्लाम तो बचा ही हुआ हम मुसलमान औरतों से है, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है हम दो हमारे 12 से। मैं तो सबसे पहले फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने जाऊंगी। तो आपको लगता है कि अगर ये लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो वहां से भी इनको यही कहा जाएगा कि जिसको देखने वो इस फिल्म को देखे, जिसको नहीं देखने ना देखे? इस फिल्म में कुछ भी आपके हिसाब से इस्लाम के खिलाफ कुछ नहीं है? इसमें जो बातें इस्लाम में कही गई उन्हीं को ही दिखाया गया इस फिल्म में? मैं पूरी जिम्मेदारी से इस बात को अंजू जी कह रही हूँ कि इस मूवी में वही दिखाया गया है जो एक्चुअल में होता आया है, और इस मूवी को एक मैसेज के जरिया उन औरतों को जागरूक करने के लिए दिखाया गया है जो अंदर ही अंदर सिसक रही हैं, अंदर ही अंदर रो रही हैं, पर अपनी जुबान नहीं खोल पा रही हैं। उन औरतों को जागरूक करने के लिए दिखाया गया है। द सेकेंड थिंग इज कि आपने सर्वोच्च न्यायपालिका की बात कही है, तो ऑनरेबल बॉम्बे हाईकोर्ट ने साफ कह दिया है कि इस मूवी में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसको बैन किया जाए, उन्होंने रिलीज करने के लिए बिल्कुल अनुमति दे दी है। अब ये जाएंगे सर्वोच्च न्यायपालिका, तो हमारे पास एक नहीं 1000 जजमेंट्स हैं उन मूवीज के जिसमें हिंदू धर्म को बुरा दिखाया गया है, हिंदू धर्म को मलाइन किया गया है, और सर्वोच्च न्यायपालिका ने कहा है जिनको देखना है वो देखे, जिनको नहीं देखना है वो ना देखे। तो उन जजमेंट्स को हम टेबल पर रख देंगे कि आप ऐसा ही कुछ जजमेंट लिखेंगे शायद इसमें भी। बिल्कुल, क्योंकि आप तो सुप्रीम कोर्ट भी जाती हैं और आपको पता है किस तरह के मामलों में वहां पर क्या रुख रहता है। तो जब इतनी सारी फिल्मों को लेकर जिनमें हिंदू धर्म को लेकर कुछ ऐसी बातें कही गई थी जिन पर लोगों ने एतराज जताया था और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, तो जब उन फिल्मों के लिए कहा गया कि जिसको देखना है वो देखे, जिसको नहीं देखना ना देखे, तो यही टीका टिप्पणी हो सकता है इस मामले में भी आए। लेकिन कम से कम आपने विस्तार से मेरे दर्शकों को ये जानकारी जरूर दी है कि इस फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है जिससे किसी मजहब को नुकसान पहुंचे या भावनाएं आहत हो, बल्कि हकीकत को ही इस फिल्म में परोसा गया है, इसलिए फिल्म जरूर देखनी चाहिए। नाज़िया जी, आपने समय निकाला इस विषय पर चर्चा करने के लिए, बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, मेरे लिए आपने समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम और जय श्री राम।
जय जय श्री राम अंजू जी, और आभारी हूँ मैं आपके प्लेटफॉर्म की। वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया लाई खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे आपने देखा भारत की शेरनी नाज़िया खान जी ने इन शांति दूतों को जम के एक्सपोज किया और इन मजहब के ठेकेदारों को धो दिया और बात की हलाला से लेकर ट्रिपल तलाक की और खासकर प्रमोट किया हम दो हमारे 12 मूवी को। तो मैं भी यही उम्मीद करता हूँ कि आप इस मूवी को जरूर देखने जाएंगे और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी दमदार और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।